हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर करना है खुद को, तो आप कैसे रजिस्टर करेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बट मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसकी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा ताकि आप कोई भी गलती ना करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड कर दूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है, जो कि नया इनकम टैक्स का पोर्टल है, incometax.gov.in। इस पर आने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर करना चाहते हैं या अदर रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आप टैक्स पेयर हैं तो आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उस पर आपको पैन डालना है। जैसे यहाँ पे पैन डालेंगे, पैन डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुली पैन सक्सेसफुली वैलिडेटेड। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है बेसिकली। और नीचे यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल डालने पड़ेंगे, यहाँ पे बेसिक डिटेल डालने पड़ेंगे, लाइक पैन तो आपका आ ही जाता है। उसके बाद आपको लास्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जिसके पैन कार्ड पे सिर्फ एक ही नाम है, लाइक सरनेम है या फिर सिर्फ नाम है, वो उस लास्ट नेम में अपना नाम डालेंगे। मिडिल नेम और फर्स्ट नेम ब्लैंक रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट नेम जो है वो मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, एंड देन आप मेल फीमेल है वो सिलेक्ट करना है, एंड आप रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट आपको फिल करना पड़ेगा आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लाइक आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका मेल आईडी क्या है, आपके एड्रेस क्या है, वो एड्रेस, ये सब चीज़ें डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू दिख रहा है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ओटीपी जाएगा, आपका जो आपने मेल आईडी डाला है और जो आपने मोबाइल नंबर डाला है, उन दोनों पे आपको एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको डालना है, ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आपको जो बेसिक डिटेल्स आपने डाले हैं, लाइक पैन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, वो सारी चीज़ें आपको वापस चेक कर लेनी है कि सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी कंफर्म करना है कि जो मोबाइल नंबर डाला है आपने, जो ईमेल आईडी डाला है, वो तो कन्फर्म हो गया बेसिकली, आपने ओटीपी डाल दिया। तो लैंडलाइन नंबर अगर आपने डालना है तो वो कन्फर्म कर दीजिए, एंड एड्रेस भी आपको कन्फर्म कर लेना है। अगर ये सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, कोई भी टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं, तो आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अगर कोई चीज़ में आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एडिट पे क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करना है तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे नया पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज में आपको बेसिकली आपका नया पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद वो पासवर्ड आपको रिपीट करना पड़ेगा चूंकि कन्फर्म पासवर्ड करने के लिए। उसके बाद आपको एक मैसेज टाइप करना होगा, ये मैंडेटरी है बेसिकली, मैंडेटरी नहीं है और स्टार मार्क किया है लाइक मैंडेटरी ही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट योर पर्सनलाइज मैसेज कर लिखना है। जब आप लॉगिन करने जाते हैं तो वहाँ पे एक पर्सनलाइज मैसेज करके लिख के आएगा, जो भी आप यहाँ पे लिखे रहेंगे वो लिख के आएगा। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद आप प्रोसीड टू लॉगिन करके लॉगिन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ें नहीं है। तो आपको बेसिकली पैन नंबर डालना है, बेसिक डिटेल्स डालने हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने हैं, उसके बाद ओटीपी आएगा, सारी चीज़ें कंफर्म करनी है, और ओके करके वापस आपको पासवर्ड जो चाहिए वो पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पे आपका लॉगिन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो आई होप ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी लॉगिन करते वक्त अगर आपको कोई एरर आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो पर्सनलाइज मैसेज था वो आपको कैसे दिखेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको बेसिकली जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे, लॉगिन के लिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पैन डालते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के बाद जो ये है ना एक्सेस मैसेज, ये आपको यहाँ पे मैसेज लिख के आएगा, जो भी आपने वहाँ पे मैसेज डाला रहेगा वो मैसेज आपको यहाँ पे लिख के आएगा। एंड देन आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद आपको आपका पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है। तो आई होप ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप कमेंट कीजिए अगर आपको किसी और टॉपिक पे डाउट है, तो उस टॉपिक पे हम डेफिनेटली वीडियोस लेके आएंगे, वो टॉपिक आपको ईजी करके बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।